I am already 19 years old right now, and shortly my permanent salary is 25,000. बहुत फायदा हुआ. लाइक जैसे मैं वहाँ पे गया तो नॉर्मली जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में आपको अभी बता देता हूँ, अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं नॉर्मली मतलब पूरे तरीके से फ्लुएंट नहीं है, बट हाँ इतनी है. टूरिज्म स्कूल ने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी हेल्प जरूर की कि मैं एक इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकता हूँ. सर द टूरिज्म स्कूल में और बाकी इंस्टीट्यूट्स में जो फर्क है वो नॉर्मली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से अच्छी है. यहाँ प्रैक्टिकली अच्छे से सिखाया जाता है और बच्चे के नेचर के हिसाब से भी उनको बताया जाता है कि किस तरीके से, लाइक उन पर प्रेशर नहीं दिया जाता. और इंस्टीट्यूट्स पे प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आपको ये करना है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले उस चीज़ पे प्रैक्टिकली ध्यान दिया जाता है कि हम जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा सिखाई जाती है. सीधा रिटर्न. Hello, my name is Shubham Khatri and I am already 19 years old right now, and I am doing a aviation and travel management course from the tourism school in 2017 in October, and now I am taking a job in 2018 starting at the time, and I am in the starting I am taking a 12,000 rupees per month without incentive, but now I am taking in 2019 I am taking a 20k plus incentive. In shortly my per month salary is 25,000 with incentive. And अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि टूरिज्म स्कूल में मैंने बहुत हेल्प की है. लाइक अभी भी अगर मुझे कुछ असिस्टेंस चाहिए होता है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे बेझिझक आ सकता हूँ और यहाँ पे मुझे आराम से कोई भी इशू होता है तो मेरा यहाँ पे क्लियर किया जाता है. लाइक अगर मुझे कुछ प्रैक्टिकल भी अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं आता और मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे उसके बारे में भी नॉलेज दी जाती है. एंड सर अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब आपकी जो तनख्वाह है वो कितनी है? 25,000. और आपकी कोर्स की फीस क्या थी? माय कोर्स फीस 50,000. लाइक जब मैंने स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग में मेरा जो पर मंथ का फीस गया वो गया 9,000 अप्रॉक्सीमेटली, एंड मेरा जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन था वो था सिक्स मंथ्स फॉर अ प्रैक्टिकल, सिक्स मंथ स्टाइपेंड, बट नाउ दैट इज कम्प्लीटेड. एंड अभी की जो मेरी सैलरी है अगर मैं पहले की सैलरी के हिसाब से भी देखूँ तो सिक्स मंथ्स में वो मेरा इजिली कवर हो सकता है अगर मैं उसे करना चाहूँ, लेकिन अगर मैं अभी के हिसाब से देखता हूँ तो ओनली 2 मंथ्स में वो मेरा कवर हो जाएगा. श्योर. जैसे कि मैंने जैसे स्टार्टिंग किया वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में जैसे मेरी जैसे जॉब यहाँ पे टूरिज्म स्कूल से मेरा इंटरव्यू फिक्स किया गया था, तो जैसे मैं वहाँ पे जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, बिकॉज मेरी फर्स्ट टाइम नहीं, क्योंकि मेरे साथ और भी सारे कैडेट्स थे, बट उन सब में मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ ये इनके अंदर लगता है कि हाँ ये जॉब कर सकते हैं. एंड जैसे मैं वहाँ पे गया तो जहाँ तक मुझे लगता है उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो आगे का कुछ कर सके. लाइक उनको रिशेड्यूलिंग में थोड़ा बहुत इश्यूज रहता था, एंड PNR क्रिएशन में उनको थोड़ा बहुत इश्यूज रहता था, तो उनके ऊपर वो जबकि वहाँ पे 67 मंथ से वर्क कर रहे थे, बट अभी भी शॉर्टली उनकी ट्रेनिंग ही चल रही थी वहाँ पे कि हाँ इनको मतलब अभी और सिखाना चाहिए. लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो ऑलरेडी मेरा मतलब वहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें आती थी, उनको ज्यादा मेरे पे प्रेशराइज नहीं करना पड़ा कि इसको हाँ मुझे इनको PNR क्रिएशन सिखाना चाहिए, रिशेड्यूलिंग सिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ. वहाँ मुझे ऑटोमेटिकली आता था तो वहाँ पे इजिली मेरा वर्क हो सका. तो जैसे नॉर्मली अभी हमारे जस्ट अभी कुछ टास्क दिए गए थे तो उन सब में फिर अभी जस्ट मेरा प्रमोशन जैसे नॉर्मली होता है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हुआ. सर बहुत फायदा हुआ. लाइक जैसे मैं वहाँ पे गया तो नॉर्मली जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में आपको अभी बता देता हूँ, अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं नॉर्मली मतलब पूरे तरीके से फ्लुएंट नहीं है, बट हाँ इतनी है. टूरिज्म स्कूल ने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी हेल्प जरूर की कि मैं एक इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकता हूँ.